हाँ जी, मोटिवेशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस है, आपकी एक इंटरनल फीलिंग है जिससे आप किसी काम को अपनी इच्छा से आप खुद कर रहे हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हो, प्रोसेस विच एग्जीक्यूट्स पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ द डिजायर ऑब्जेक्टिव, या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्साइट्स कर रहे हो। एक्साइटमेंट अंदर से ही होगी, बाहर से तो नहीं ना, तो एक्साइटमेंट का मतलब ये इंटरनल फीलिंग हो गई। इंटरनल फीलिंग हो गई है, इंटरनल फीलिंग दे रहे हो आपकी टू पीपल टू वर्क, काम करा रहे हो फॉर अटेनमेंट ऑफ द डिजायर ऑब्जेक्टिव, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन कर सके। आप लोग जे आर एफ करना चाहते हो, ये आपका टारगेट है, इसके लिए आपको क्या कर रहे हैं, इंटरनल मोटिवेशन, आप इंटरनल मोटिवेट हो भी रहे हो, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। जब ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, लर्निंग प्रोसेस वहीं खत्म हो जाएगी आपकी। मोटिवेशन चलता रहेगा, मोटिवेशन आपकी कंटिन्यूस है जब तक आपको मोटिवेशन, आप पढ़ते रहोगे, मोटिवेशन नहीं बंद हो गया, आप पढ़ना बंद कर दोगे, लर्निंग बंद हो जाएगी। तो ये क्या आपकी इंटरनल फीलिंग, अब क्या है, ये आपका है मोटिव। मोटिव क्या है, एंड रिजल्ट है आपका फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये नेट जे आर एफ है, ये मोटिव ऑन बन गया आपका, यहाँ तक पहुँचना है, ये मोटिवेशन का काम है, फोर्स काम कर रही है। ठीक है, और ये जो मोटिवेशन है, ये देखो साइकोलॉजिकल इंटरनल फीलिंग, कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड है। मेरी बात समझ में आई आपको, कि आपका ये जो फोर्स जो आपको दिख रही है, आप क्यों पढ़ रहे हो, इसके पीछे कौन सी फोर्स काम कर रही है, आपको दिख रहा है मेरे को प्रोफेसर बनना है, ये बनना है, आपको दिख रहा है और उसके लिए आप काम कर रहे हो, यानी ये क्या हुआ, मोटिवेशन जो हुआ ये तो आपकी इंटरनल फीलिंग होगी, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और मोटिवेशन आपका जो मोटिव हुआ वो आपका फोर्स एंड रिजल्ट। मोटिवेशन, मोटिवेट हो आप एंड रिजल्ट पे कहाँ पहुंचोगे, जे आर एफ हो जाएगा, पहुंच गए आप वहां पे, यही फोर्स आपको काम कर रही है। क्लियर हो गई बात आपको, मोटिवेशन डिफाइन हो गया। किसी भी पर्सन में, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी भी स्टूडेंट्स का वैसे को एक्साइट करना, उनमें फीलिंग्स जनरेट करना, किस पर्पज के लिए, अटेनमेंट ऑफ आपके जो ऑब्जेक्टिव है, डिजायर ऑब्जेक्टिव है, जो आपकी इच्छा के ऑब्जेक्टिव, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इसकी क्या क्या फीचर्स है, देखो ध्यान से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, मैं जो जो फीचर्स कहूँ उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज इंटरनल फीलिंग, फर्स्ट थिंग। फैक्टर्स आपके इंटरनल भी होंगे और आपके एक्सटर्नल भी होंगे, बट इट इज ऑलवेज इंटरनल। ठीक है, सेकेंड आया कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्लियर है ना आपको, क्यों है, मोटिवेशन बंद लर्निंग बंद, मोटिवेशन चल रही है, आपका काम भी चलता रहेगा। ठीक है, अब ये देखो, ईच पर्सन हैज डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर, और ध्यान से देखना, हर एक पर्सन के अलग मोटिवेशनल फैक्टर है। मोदी के लिए नेट जे आर एफ की वैल्यू है, नहीं है, किसी जो यूपीएससी में लगा है उसके लिए नहीं है, आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है ना, मैं हो चुका, मेरा हो चुका है, मेरे लिए, मैं नेट से मोटिवेट नहीं हो रहा, मेरे तो नेट का पेपर होए ना होए, मेरे लिए उस तरीके से, मतलब आपके पॉइंट ऑफ वाले से मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो चीज़ हो रखा है मेरा, आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं इनका भी हो रखा है तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका नहीं हो रखा, जिसके पास जो चीज़ नहीं, उसी के लिए काम करता है ना। तो इसके जैसे आपके एक क्वेश्चन पूछूँ मैं, ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स, हमारे लिए, मेरे लिए अलग मोटिवेट कर रहा है, आपके लिए अलग कर रहा है, कुछ के लिए और के, सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ओके। दूसरा आपके पास आया, मोटिवेशन कैन मे बी गिवन इन मैनी वेज, बहुत सारे मोटिवेशन है, जैसे आपको घर, जैसे इसको मोटिवेट किया हुआ है घर को कि नेट जे आर एफ कर दे, आईफोन मिलेगा, मिला भी दिया इसको आईफोन, ये कह रही मैं चलाऊंगी तब जब मेरा नेट जे आर एफ हो जाए, इसका मतलब क्या, एक फैक्टर हो गया इसके लिए। किसी के लिए जॉब का मोटिवेशन का हुआ, मतलब डिफरेंट वेज में दिया था, किसी के लिए पैसे का मोटिवेशन हो सकता है, किसी के लिए किसी अपॉइंटमेंट का हो सकता है, किसी के लिए कुछ होगा, तो बहुत सारे वेज होते हैं आपके। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं है आपको इन चारों फैक्टर्स में, ऐसे एग्जाम में आते हैं, आपको ये बस अरेंज करने होते हैं कि है या नहीं, सेलेक्ट करके। ठीक है, इट एनकरेज पीपल टू डू वर्क, काम करने के लिए एनकरेज कर रहा है, ठीक बात है, ये भी यही तो ऑब्जेक्टिव पूरी एक उसमें ही सारे डेफिनेशन में आ गया, इंटरनल फीलिंग, आपका डिजायर ऑब्जेक्टिव, कंटिन्यूस प्रोसेस, सभी उम्मीद उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास, इट क्रिएट्स मोरल, मोरल भी क्रिएट करेगा, है ना, मोरल आप में क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ओके बात। उसके बाद है, इट रिलेट्स विद द ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सभी पे होता है, टॉप को भी चाहिए, लो को भी चाहिए, सभी के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता है, और हमेशा
बहुत इम्पोर्टेंट, ह्यूमन फैक्टर को ही आप कर सकते हो। अभी बताया मैंने, इसको नहीं कर सकते आप, इस चेयर को भी नहीं कर सकता, कितनी मेहनत कर लो अगर ये चेयर इधर से इधर भी हो जाए तो, ठीक बात है। तो किसके लिए होता है, इसमें एक जो है आपका वो रह गया है, वो मैं मतलब एक दो फीचर्स है वो मैं अभी बताऊंगा तो गलत हो जाएगा, थोड़ी सी आगे बात बताऊंगा, एक दो थ्योरी आ जाएगी ना तब कराऊंगा, अभी रहने दो, ठीक है। अब देखो प्रोसेस क्या है आपकी मोटिवेशन की, अभी तक हमने पढ़ा है मीनिंग करेक्टरिस्टिक्स, नाउ प्रोसेस। प्रोसेस में आपके पास कोई ना कोई अनसेटिस्फाइड नीड है, आपकी अनसेटिस्फाइड नीड क्या, आपकी नेट करनी, ये आपके लिए आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है। अब इससे आप आए टेंशन में आया तो आपको लगा कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ड्राइव क्यूज मिलने स्टार्ट हो गए, यहाँ पे पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो क्लियर हो गया आपने, यहाँ टेंशन में है, यहाँ से आपको ये दिमाग में आया भाई आप तो पढ़ना है हमने, पढ़ने के लिए फिर आपने ढूंढा कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, सर्च बिहेवियर आपने ढूंढा ऑप्शन कि भाई मैं खुद सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कहीं से पढ़ सकते हैं हम, और क्या उसके बाद रिडक्शन ऑफ टेंशन, लास्ट वन इज रिडक्शन ऑफ टेंशन, पढ़ लिए हो जाएगा, फिर क्या होगा, अनसेटिस्फाइड नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, जेआरएफ अब असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, अच्छी घर में मतलब शादी भी करनी है ना, तो मतलब ये प्रोसेस जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मोटिवेशन खत्म नहीं होगा, है ना, लास्ट में आके फिर कहेगा ठीक है अब तेरा मोटिवेशन खत्म नहीं, आ जा, तो मेरी बात समझे, इसको बिल्कुल अरेंज करने आता है, पहले आपके कोई अनसेटिस्फाइड नीड है उसके लिए आप क्या करते हो, टेंशन में आए, फिर आपने क्या किया, ड्राइव क्यूज मिले आपको, क्या क्या ऑप्शंस है, सर्च बिहेवियर जो बेस्ट लगा उसको सेलेक्ट करते हुए, नीड को सेटिस्फाइड, टेंशन खत्म, दोबारा से टेंशन शुरू, तो आगे समझ में, ठीक है। बात आई आपकी किसकी, इसकी कुछ थ्योरीज हैं जो आपने पढ़नी है, दो तीन ही करेंगे या ज़्यादा नहीं करेंगे, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, देखो दो तरीके की, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल कुछ नहीं है, नाम मात्र की थ्योरी है, बस पुराने लोग ऐसे करते थे और सच में होता था ऐसे। ट्रेडिशनल में क्या है, फियर एंड पनिशमेंट, काम कर लो नहीं तो सैलरी कट जाएगी, जॉब चली जाएगी, पहले ऐसे काम होता था, सिर्फ नेगेटिव मोटिवेशन, ये पूरा नेगेटिव है ना, पूरा नेगेटिव है ना। एक आया रिवार्ड थ्योरी, भाई आप ये कर लो, अभी जिससे इनके घर वालों ने अडॉप्ट की हुई है, ये कर लो ये मिल जाएगा, तो ये हो आपकी रिवार्ड थ्योरी। और तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी, दोनों चीज़ें आ गई, अच्छा काम करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा और बुरा काम करोगे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सी थी, हमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी इसकी, ठीक है। आ गई समझ में, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, हमें वैसे नाम से पता लग जाता है, इनकी कोई जरूरत भी नहीं। अब एक बात याद करो, वापस आओ, नियो क्लासिकल अप्रोच आपने पढ़ी थी ना, नियो क्लासिकल, तो उसमें मैंने कहा था कि तो उसमें अल्टन मेयो आ गया था, और उसमें जो बिहेवियर अप्रोच में नियो क्लासिकल में तो वो तो थी आपकी उसकी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, और दूसरी बिहेवियर अप्रोच थी जो 1940 के अराउंड डेवलप हुई थी, तो उसमें ये डेवलप हुई थी आपकी मास्लो की, हर्ज़बर्ग की, मैकग्रर की, ये थ्योरीज डेवलप हुई थी उसमें, ये बिहेवियर अप्रोचेज है उसकी मैनेजमेंट की, ठीक है। मैंने कहा था मैं बाद में कराऊंगा, तो ये वाला पार्ट आ गया आपका, ठीक है। तो अब इसको आप धीरे धीरे से देखते जाना कैसे कैसे हो रहा है इसमें। सबसे पहले आपकी मास्लो की थ्योरी, वैसे ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे भी बताऊँगा, मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो क्या कहती है, ये 1943 में अब्राहम मास्लो ही नहीं थी, साइकोलॉजी का प्रोफेसर था ये, ठीक है, साइकोलॉजी का ये प्रोफेसर थे। इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक नीड की एक हायरार्की होती है इस तरीके से, ठीक है, एक मतलब पिरामिड बना दिया इसने नीड हायरार्की का, और उसने कहा कि पांच तरीके की नीड है आपकी, और बिल्कुल आपकी वन बाय वन आपकी सेटिस्फाइड होती है। इसने कहा पहले पांच दो नीड बताई, एक तो फिजियोलॉजिकल नीड या फिजिकल नीड बताई इसने, ठीक है, दूसरी इसने बताई कौन सी बताई, सेफ्टी नीड्स, थर्ड वन इज सोशल, फोर्थ वन इज एस्टीम नीड, एंड फोर्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
ये पांच तरीके की नीड दी मास्लो ने, आप सभी ने बहुत बार पढ़ा है शायद प्लस टू में, फिर बीकॉम में एंड शायद एमकॉम में पढ़ लिया हो, पढ़ चुके हो आप, ठीक है ओके। पढ़ा है तो आप ध्यान से सुना भी होगा, आपने कुछ बातें नहीं पढ़ी आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है, कुछ नई बातें पता लग सकती है आपको। पांच तरीके की नीड दी, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा भाई कि आप कोई भी एम्प्लॉई सबसे पहले अपने फिजिकल नीड को या फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे फूड शेल्टर आपके क्लोथ्स आ गए, इस नीड को सेटिस्फाई करेगा, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए है ना, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए जगह, सबसे पहले इस नीड को सेटिस्फाई करें। जब किसी पर्सन की ये नीड सेटिस्फाइड होगी तो फिर वो दूसरे पे जाता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या भाई, उसकी हेल्थ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी, सारी की सारी ही आया। जब तक ये नीड सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगी नेक्स्ट पर वो मूव नहीं करेगा, कान से सुनना, मूव नहीं करेगा। और जब ये पहले वाली नीड सेटिस्फाइड होगी तो इसमें कोई मोटिवेशन भी नहीं रहेगा, जीरो मोटिवेशन आफ्टर सेटिस्फेक्शन। फिर मोटिवेट करेगी सेकेंड नीड, सेकेंड नीड सेटिस्फाइड हो गई, जब तक ये नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी मोटिवेट करेगी अनसेटिस्फाइड नीड, मोटिवेट करती रहेगी। जब ये सेटिस्फाइड होगी अगली पे चला जाएगा, और वो भी सेटिस्फाइड होगी तो उससे अगली पर, और उससे भी ऊपर अगली आ गया तो उससे ऊपर चली जाएगी। आई बात समझ में, एक बात ध्यान से सुनो, कुछ जो बातें यहाँ से निकल के आई आपके पास, पहली बात यह निकल के आई क्या कि जो भी आपके पास जो सेटिस्फाइड नीड है तो उसमें मोटिवेशन है या नहीं, हाँ जी बताओ, कोई मोटिवेशन नहीं है ना, नो मोटिवेशन, ये बात आपको पता लग गई ठीक है। अनसेटिस्फाइड नीड में, अनसेटिस्फाइड में मोटिवेशन आपका होता रहता है ठीक है। तीसरी बात आई, इसमें मोटिवेशन अपवर्ड अपवर्ड है या डाउनवर्ड भी है, सिर्फ अपवर्ड है, इसकी एक बड़ी लिमिटेशंस भी है ये, कि ये कहता है कि ये हमेशा अपवर्ड मोटिवेशन है, एक नीड सेटिस्फाइड हो गई तब आपका उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होता। सेटिस्फाइड नीड नो मोटिवेशन, अनसेटिस्फाइड नीड मोटिवेट करेगी और आपको हमेशा ऑलवेज वन साइडेड, आपको कहेगा वन साइडेड होता है ये ठीक है, वन साइडेड, और वो भी कौन सा, अपवर्ड। आगे समझ में, देखो अब्राहम मास्लो ने पांच नीड की एक हायरार्की दी, नीड की हायरार्की में क्या रखा, पांच कैटेगरी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल, सॉरी सेफ्टी, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पांच नीड्स थी का। अगली स्टेटमेंट इन्होंने कहा, अगर आप एक पर्सन इन नीड को सेटिस्फाई करने का एक क्रम रखता है, हायरार्की रखता है, एक नीड को सेटिस्फाई करके अगली पे जाएगा, अगली के थर्ड पे, थर्ड फोर्थ, इस तरीके से कोई नीड सेटिस्फाई होगी मोटिवेशन जीरो, कोई भी नीड जो अनसेटिस्फाइड है मोटिवेशन मिलता रहेगा। मोटिवेशन वन साइडेड है, ऑलवेज अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड कोई मोटिवेशन नहीं होगा, नीचे की साइड आएगा तो कोई मोटिवेशन नहीं, यानी सेटिस्फाइड नीड में कोई भी आपका मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आई मेरी बात समझ में आपको? अब अगली बात ध्यान से सुनिए, इसकी लिमिटेशंस भी यही है कि ये डाउनवर्ड नहीं चलता ठीक है, सिर्फ अपवर्ड चलता है। अब एक्चुअलिटी में क्या होता है कि मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो सोशल मीडिया थोड़ा सा एस्टीम तक, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, यहाँ तक ही पहुँच पाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जैसे आप किसको मानेंगे कि इस कंट्री में ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चला गया, इस कंट्री में कोई पर्सन जो आपको लगता है कि ये सेल्फ एक्चुअलाइज हो गया, बताइए। हाँ क्या था कि इसमें सिर्फ एक अपवर्ड, पांच जो नीड है आपकी वो सिर्फ अपवर्ड मोटिवेशन है, डाउनवर्ड कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा। अब्राहम मास्लो ने दी, इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ओनली अपवर्ड मोटिवेशन ठीक है। फर्स्ट क्लियर हो गई। इसी के साथ मैं पहले टू फैक्टर थ्योरी के से पहले हम एक कर लेते हैं ईआरजी थ्योरी ठीक है। ईआरजी थ्योरी जो है मास्लो की जैसी ही थ्योरी हो, ईआरजी एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस और जी फॉर ग्रोथ। एग्जिस्टेंस सर्वाइवल के लिए जो आपकी नीड्स है, इसने जो अल्डरफर ने दी पहले, तो किसने दी है, अल्डरफर ने, अल्डरफर ने आपकी नीड थी ईआरजी थ्योरी। इसने क्या कहा, तीन तरीके की नीड है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। तो एग्जिस्टेंस में जो मास्लो की जो नीड है आपकी,
कौन कौन सी, फर्स्ट टू फिजिकल और दूसरी सेफ्टी, ये दोनों नीड आ गई। रिलेशनशिप में आपकी सोशल आ गई और ग्रोथ में आपकी आ गई सेल्फ एस्टीम। नहीं नहीं, इसी में आएगी दोनों, सेल्फ एस्टीम और आपकी सॉरी एस्टीम नीड्स और आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये इस तरीके से कैटेगराइजेशन हो गया ग्रोथ के लिए। ग्रोथ में इस तरीके से जाएगी ना, ग्रोथ में आपकी डेवलपमेंट, इसमें सिर्फ रिलेटेड सिर्फ रिलेशनशिप आ गई। कैटेगरी बना ली आपने तीनों के, ये इक्विवेलेंट लिख सकते हो आप कौन सी कहाँ पे आई। अब देखो आपने वहाँ पर पढ़ा था कि जो मोटिवेशन होता है सिर्फ अपवर्ड मोटिवेशन चलता है, यानी अनसेटिस्फाइड नीड मोटिवेट करती रहेगी, कोई नीड सेटिस्फाइड होगी तो मोटिवेट नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या एक्चुअलिटी में ऐसा होता है कि क्या सारे पर्सन किसी एक नीड को सेटिस्फाई करके दूसरी पर काम करते रहते हैं? रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी की क्वालिफिकेशन इस तरीके की है कि वो प्रमोट ही नहीं हो सकता अपने आप, जो लेवल है उसका वही बना रहेगा। अकॉर्डिंग टू एल्डरफर कोई भी पर्सन जब तक अगली नीड पर नहीं जाता तब तक वो जिस नीड पर है उसी नीड पर काम करते हुए मोटिवेट होता रहता है, बेशक वो नीड सेटिस्फाई हो गई हो। अगर वो उससे ऊपर वाली नीड पर गया और सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो नीचे वाली नीड पे आके मोटिवेट होगा। आई मेरी बात समझ में? ईआरजी थ्योरी मैंने लिखा ई और लिखा आर, सॉरी ई आर और जी, इस तरीके से मैंने लिखा। मान लो कोई इस किसी पर्सन ने ये नीड सेटिस्फाई कर ली और इस पर चला गया, थोड़े दिन कोशिश की नहीं बनी बात, वापिस आया इसी नीड पर और काम करता रहा और मोटिवेट होता रहा। एल्डरफर ने क्या कहा कि मोटिवेशन आपका दोनों साइड है, अपवर्ड भी है और आपका डाउनवर्ड भी है, और उसने कहा था सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड। क्लियर हो गई ये बात आपको? तो एल्डरफर की आपकी स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई, ईआरजी जो थ्योरी आपकी। देखो ध्यान से देखिए, डाउनवर्ड ये है भाई कि अगर कोई पर्सन अपने उससे ऊपर वाली नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो नीचे वाली नीड पे आके उसी पे वो काम करता रहेगा और मोटिवेट होता रहेगा। इसके एग्जांपल ये रही, देखिए प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये लोग क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं पहुँचे, ना पहुँचने वाले, लेकिन इस पर काम करते हुए कुछ पहुँच भी जाएंगे, जैसे APJ अब्दुल कलाम पहुँच गए डॉक्टर साहब, लेकिन सभी नहीं पहुँचेंगे ना। कुछ ऐसे पर्सन है जो सारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो उसे पीछे वाले नीड पे आएंगे, उसी पर काम करते रहेंगे और उसी पर वो उससे मोटिवेट होते रहेंगे। आई बात समझ में? सारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं पहुँचेंगे, सारे सेल्फ एस्टीम पे भी नहीं पहुँचेंगे। मान लो ये जैसे कोई भी ये लगाओ क्लर्क लगा होता है, क्लर्क से रिटायर आ गया, उसी पे काम करता रहा, मोटिवेट होता रहा। आई बात समझ में? मोटिवेशन के दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं ना, अब वो कौन सा फैक्टर से काम कर रहा है वो मैटर करेगा। पूरी लाइफ वो सर्वाइवल के लिए काम करता रहता है, करता है या नहीं करता भाई उसके लिए, यानी बेसिक नीड के लिए काम करता रहता है, तो ये वाली बात है, बेशक उसकी नीड सेटिस्फाइड हो गई है ना। बात क्लियर हो गई बात? तो इसमें क्या होगा, मोटिवेशन आपका अपवर्ड भी होता है और आपका डाउनवर्ड भी होता है। इस तरीके से आपकी ये नीड देखो 1916 में दी आपकी एल्डरफर ने, येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। एग्जिस्टेंस नीड्स दोनों नीड आ गई, फिजिकल और सिक्योरिटी, रिलेटेडनेस में सोशल और इसमें दोनों आ गई, और इसमें जो मोटिवेशन होता है आपका अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसने कहा, इसकी स्टेटमेंट ये थी, कोई पर्सन ट्राई जरूर करता है, कोई नीड सेटिस्फाई अगली पे जाएगा, अगली पे गया और नीड सेटिस्फाई नहीं हुई, अगर नीड सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो वो वापस जाएगा उससे पिछली वाली नीड पे और उस नीड पे काम करते हुए मोटिवेट होता रहेगा, मोटिवेट होते हुए काम करता रहेगा। दैट्स ऑल, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसने 5 कैटेगरी बनाई, इसने 3 बना दी, उसको देख ला कैसे सिमिलरिटी कैसे ला दी, और उसने कहा अपवर्ड होता है ओनली, इसने कहा दोनों चलता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एल्डरफर की आपकी ईआरजी थ्योरी। ठीक है, ओके, उसके बाद आपकी आई टू फैक्टर थ्योरी। देखो हाँ भी, जो ये आपकी टू फैक्टर थ्योरी है आपकी हर्ज़बर्ग की, दो तरीके के फैक्टर्स है। एक तो ऐसे फैक्टर्स जिसकी परसेंस आपको मोटिवेट नहीं कर रही लेकिन अगर अब्सेंट है तो उसको आप डीमोटिवेट होते हो, ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं हाइजीन फैक्टर्स या आपके डिससेटिस्फाइड फैक्टर्स। ठीक है, मोटिवेशनल और हाइजीन बोलते हो, सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, मोटिवेशनल और मेंटेनेंस, हाइजीन, डिससेटिस्फाइड और मेंटेनेंस,
ये वो फैक्टर है, परसेंस है तो कोई मोटिवेशन नहीं है, एबसेंट हो गए तो डिमोटिवेट हो गए। दूसरे ऐसे फैक्टर्स है जिससे आप मोटिवेट हो रहे हो, मतलब जिसकी परसेंस आपको मोटिवेट कर रही है। दो कैटेगरी बना दी हर्ज़बर्ग ने, मेंटेनेंस और आपका मोटिवेशनल। अब इनमें सबसे पहले आया आपके जो मोटिवेशनल में, देख लीजिए आप छः फैक्टर डाले इन्होंने। छः फैक्टर ऐसे माने कि भाई जो आप जिससे आप मोटिवेट होते हो। फर्स्ट फैक्टर आया अचीवमेंट। अचीवमेंट मीन्स आप इसलिए काम कर रहे हो कि आपको कोई सामने अचीवमेंट दिखाई दे रही है। आप सभी स्टूडेंट्स हो, नेट जे आर एफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नेट जे आर एफ आपके लिए एक अचीवमेंट होगी, उसके लिए आप काम कर रहे हो, तो बताओ मोटिवेट हो रहे हो नहीं आप उससे। ठीक बात है। सेकेंड आई आपके पास एडवांसमेंट। अगर आपका नेट जे आर एफ होता है तो आप एक कोई ना कोई ग्रेड आप आगे निकल जाओगे, तो आप उसे क्या हो गए एडवांसमेंट, और दूसरों से अलग दिखोगे। तीसरा है आपके रिकग्निशन, कि आपकी कोई ना कोई एक आइडेंटिटी बन जाएगी, आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये वो पर्सन है जिसने ये क्वालिफाई कर रखा है। समझ रहे हो ना आप क्या कर रहे हो, आपको एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि आप मान लो यूपीएससी करते हैं, अलग ही दिखते हैं कि ये लोग इसने ये क्वालिफाई कर रखा है, यूपीएससी वाले लोग। सभी को पता है कि फर्स्ट रैंक किसकी आती है, आती है वो अलग से हाईलाइट हो जाता है, फर्स्ट से टेंथ तक जो भी यूपीएससी में लग रहा है, या आपके आसपास में कोई लगता हो तो इसके लिए भी आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है कि एक भाई एक उसकी आइडेंटिटी बन गई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फोर्थ आया आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर। एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है भाई कोई किसी का फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो चाहता है इसलिए आप सेटिस्फाई, आप अपने आप को काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। और भी छोड़िए, आप आपके मम्मी पापा जो होते हैं वो घर में काम कर रहे होते हैं, किस पर्पज से, कि उनके भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोटिवेट हो रहे हैं ना, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। एक आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है फॉर दी ग्रोथ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे, तो ये भी इसके लिए आप मोटिवेट हो रहे हो। और लोग आया फोर फिफ्थ आया जॉब इटसेल्फ, काम इस तरीके का मोटिवेट करता है, आपको पढ़ने में मजे आने लग गए, मोटिवेट होते रहोगे। तो कितने बने आपके, छः फैक्टर बने, ये याद करने हैं आपने। फर्स्ट वन इज अचीवमेंट, सेकेंड आपका एडवांसमेंट, तीसरा आपका रिकग्निशन, फोर्थ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ आपका अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, और सिक्स्थ आपका जॉब इटसेल्फ। ये छः याद कर लोगे, बाकी सारे क्या रह गए आपके, हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है। अब देखना कौन से हाइजीन फैक्टर है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सैलरी आपके अकॉर्डिंग हाइजीन होना चाहिए, ये आपका मोटिवेशनल। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। देखो अब मैं कैसे, हाइजीन फैक्टर आपके पास भाई ये 10 फैक्टर है, देखो कौन से है, आप ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपके। कंपनी की पॉलिसी इन एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हो, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, चेंज कर दे थोड़ी सी बना दे कि स्ट्रिक्टनेस पंच लगेंगे, डिमोटिवेट हो गया। ध्यान से समझना, आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीज़ें, प्रैक्टिकली हैं ये सब चीज़ें, है ना। कंपनी की पॉलिसी आपको आधे से ज़्यादा दुनिया को तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है अपने जॉब करके चले जाते हैं, पर पता लग जाए कि आपकी ड्यूटी का टाइम 8 से 9 से 5, 10 से 4 की बजाय 8 से 6 कर दिया, फर्क पड़ गया, है ना। दूसरा टेक्निकल इंस्पेक्शन अपने आप आती रहे, चेंज कर दे, मतलब नहीं आ रही एक रूटीन से जो आ रही हो तो ठीक है आपके लिए, एक तुमसे आ जाए, नेक की टीम आ जाए, इस तरीके से आ जाए, फर्क पड़ जाएगा, है ना। टेक्निकल भाई आपके काम की वो देखने आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा आया म्यूचुअल पर्सनल रिलेशन विद इंस्पेक्टर, आपके अपने रिलेशन, देखो ध्यान से, अच्छे रिलेशन है इंस्पेक्टर के साथ, मोटिवेशन नहीं है आपने, खराब हो जाए डीमोटिवेट, नहीं करना काम, इसका काम क्यों करना है, सुपरवाइजर का क्यों करोगे आप, अच्छे रिलेशन। एक और आया म्यूचुअल रिलेशन विद अदर टीम मेंबर, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपकी क्लास में कोई एक और, मतलब आपका किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, आपकी क्लास में कोई और आ जाए क्या फर्क पड़ता है, कोई चला जाए फिर सोचोगे आप, फर्क पड़ेगा, डीमोटिवेट हो गए कुछ टाइम के लिए, पर हो गए जरूर, आई बात समझ में। तो अपने मतलब टीम मेंबर के साथ रिलेशनशिप, आपकी सैलरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका लिमिटेशंस में आता है सैलरी। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सैलरी है आ रही है, मोटिवेशन नहीं है, पता है 30 दिन हुए सैलरी आ जाएगी, सैलरी ये कह दिया जाए कि भाई नहीं आएगी अगर आप नहीं काम करोगे तो फिर आप डीमोटिवेट हो, परसेंस नो मोटिवेशन और एब्सेंट मोटिवेशन। लेकिन इसका ना ये लिमिटेशंस में कैसे आया, ये
मान लो ये कह दिया जाए कि भाई आप अच्छा काम करो, आपकी सैलरी हाइक कर दी जाएगी, मोटिवेशन मिलेगा, मिलेगा ना, ये इसी वजह से लिमिटेशंस बनी हुई है। ठीक है ना मेरी बात, कि भाई सैलरी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, लेकिन नहीं, जो है वो है, हम तो वो पढ़ना है। ठीक है, एक सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज, पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ देखो ठीक चल रही है, कहाँ की मोटिव मोटिवेशन है, पर्सनल लाइफ आपकी ठीक चल रही है, काम करने के लिए मोटिवेशन होता है नहीं, खराब चल रही हो तो दिमाग खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, तो फिर क्या होगा, वो आपका काम करने के लिए आप डीमोटिवेट करोगे। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट फैक्टर है आपका सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉई। देखो आपकी आपकी जॉब की सिक्योरिटी है, लाइफ सिक्योरिटी है, तो आप उससे कोई मोटिवेशन नहीं हो रहे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी ख़त्म कर दी जाए तो आप उससे क्या होगे, डीमोटिवेट ज़रूर हो जाओगे, है ना। नेक्स्ट आया आपके पास स्टेटस, फॉर एग्जांपल आपके पास एक अच्छा स्टेटस है, मान लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये है, पीएचडी है, ये हो, लेकिन उससे आप कोई मोटिवेशन नहीं, स्टेटस आ जाए तो डीमोटिवेट, है ना। उसके बाद आपके पास आया नेक्स्ट क्या, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या आया, जैसे अच्छा एनवायरनमेंट है, जैसे कि कोविड की सिचुएशन थी, उससे पहले नॉर्मल एनवायरनमेंट था आपके लिए, क्या मोटिवेशन था, कुछ नहीं, अब फिर से नॉर्मल है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोविड में नहीं डीमोटिवेट हो गए थे कि अंदर ही अंदर रह गए, काम नहीं करना, है ना। और एक वर्किंग कंडीशन, जैसे मैंने अभी कहा लाइट वाला एनवायरनमेंट के साथ साथ, जैसे मैंने कहा वर्किंग, काम ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, डीमोटिवेट, अच्छा एनवायरनमेंट है, कोई मोटिवेट, एसी में रहते हैं सारे, बीएसएनएल वाले, एसबीआई वाले, बहुत तो सारे एसी में काम अच्छे से करते हैं, कमाम तो नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, उस ये इस तरीके से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन से हाइजीन फैक्टर्स है और कौन से आपके मोटिवेशन फैक्टर है। ठीक है, तो